पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी टी20 मैच में हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिर गई। बाबर आजम ने 14 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हदफ दिया। मेहमान टीम 19वें ओवर में 90 रन पर ढेर हुई। शाहीन शाफीदी ने सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी असेंबली की 5 और सूबाई असेंबलियों की 16 नशस्तों पर जिमनी इलेक्शन का मार्का। मैदान कल सजेगा। पंजाब असेंबली की 12, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान असेंबली की 2-2 नशस्तों पर मुकाबला होगा। वोटिंग के इंतजाम मुकम्मल। मजमू तौर पर 21 हलकों में पोलिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर दफातर में कंट्रोल रूम कायम। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तंसीब कर दी गई। इंतखाबी अजला में इंतजामिया की जानब से दफा 144 का नफाज लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और कलात में 2 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। धमाकों के बाद शदीद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। पुलिस धमाकों की नौयत और जगह का तायुन कर रही है।